नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सियासत की लड़ाई भीषण होती है और मुकाबला अगर लोकसभा चुनाव का हो, बात लोकसभा चुनाव की हो, तो लोकसभा चुनाव में ज़्यादातर मुकाबले जो होते हैं वे कांटे के मुकाबले होते हैं और आक्रामक लड़ाई होती है, दिलचस्प होता है ज़्यादातर मुकाबला लोकसभा चुनाव के दौरान। तो ऐसी ही एक सीट है बिहार में, वैशाली की सीट, जहां मुकाबला कांटे का है और मुकाबला बेहद दिलचस्प है। जेडीयू ने वीणा देवी को उम्मीदवार बनाया है वैशाली सीट से और राजद की ओर से रघुवंश प्रसाद सिंह कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इस सीट से उम्मीदवार होंगे। और रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि वैशाली में मुकाबला धन बल बनाम जनबल का होगा, यानी वीणा देवी जनबल के सहारे चुनाव जीतना चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं और जीतने की कोशिश है, पैसा फेंक कर वो चुनाव जीतना चाहती है, जबकि मेरे साथ जनबल है और जनबल के सहारे मैं वीणा देवी को मात दूंगा इस लड़ाई में। आप सुनिए रघुवंश प्रसाद सिंह ने क्या कहा है। जो जिला से जो हम लोग की जो आते हैं, एक वैशाली जिला, एक मुजफ्फरपुर, दोनों जिला हम लोग के हाथ में है। इसको मजबूती पूर्वक हम लोग को जो है कमर कस कर करके जो भी हम लोग के प्रत्याशी होंगे उनको 100% जो है जीत सुनिश्चित करना है और तमाम लोग इसके लिए हम लोग कमर कस ले। एक दो दिन में हम लोग का जो आला कमान का जो फैसला आएगा उसके मुताबिक हम लोग को काम करना है। इसी के बाद में अपनी बातों का समाप्त करते हैं। जय हिंद। तो साफ तौर पर यह कहते हुए रघुवंश प्रसाद सिंह की वैशाली की लड़ाई धनबल बनाम जनबल की है और जनबल मेरे साथ है, इसलिए मैं यह चुनाव जीतूंगा। जाते जाते आप वीणा देवी का बयान भी सुनिए अपनी उम्मीदवारी पर वो क्या कह रही हैं और उनके क्या दावे हैं वैशाली सीट को लेकर। चुनाव का मुद्दा यही है कि बाहरी भगाओ, वैशाली के बचाओ, विकास करो। स्ट्राइक जो हुआ है देश पाकिस्तान पर उसका कितना असर है? उसका पूरा असर हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी ऐसे तो अभी तक प्रधानमंत्री बने ही नहीं इस देश में। पहला प्रधानमंत्री है जो देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारे नौजवान साथी के लिए काम कर रहे हैं। जब हमारा देश बचेगा तभी हमारे बच्चे बचेंगे, हमारे समाज बचेंगे, सारे लोग बचेंगे। तो रघुवंश प्रसाद कोई चुनौती नहीं? नहीं, हमारे साथ कोई चुनौती नहीं। मेरे जनता मेरे मालिक हैं, वो मेरे साथ हैं। मैं किसी से चुनौती या किसी से डरने वाली महिला नहीं हूँ। मैं 20 वर्ष से राजनीतिक में हूँ। पहले जिला परिषद के मैं अध्यक्ष रही, उसके बाद रिजर्व हुआ मैं उपाध्यक्ष बनी, मैं 5 साल गया घाट के विधायक बनी, सेकेंड टर्म भी लड़ी थी मैं अभी वैशाली के लोकसभा। रघुवंश प्रसाद सिंह ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पैसे पर टिकट खरीद लिया, ऐसा उनका कहना गलत है। पढ़ लिख के हमको लगता है कि उनको कुछ भसिया गए हैं, तब उनसे तो मैं कोई इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगी। अगर पैसे पर टिकट मिलता तो टाटा बिरला प्रधानमंत्री बन जाते देश के, वीणा देवी नहीं आती। तो आपने वीणा देवी को सुना, साफ तौर पर वीणा देवी और रघुवंश प्रसाद सिंह के बीच मुकाबला कांटे का होगा। वैशाली की लड़ाई दिलचस्प हो चली है, आक्रामक हो चली है और कांटे के इस मुकाबले में दोनों नेताओं के अपने अपने दावे हैं, अपना अपना बयान है। वीणा देवी भी दावा कर रही हैं जीत का और रघुवंश प्रसाद सिंह भी जनबल का दावा कर रहे हैं और जनबल के सहारे जीत का दावा कर रहे हैं। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।